हेलो एवरीवन, आई एम ममता। नाउन के बारे में हम कुछ कुछ पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर में, तो आज नाउन का जो हमारा अगला टॉपिक है, अभी तक हम नाउन को काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं और काफ़ी अच्छे से डिस्कस भी कर चुके हैं। इससे पहले हम कई सारे टॉपिक्स नाउन के कवर कर चुके हैं और आज हमारे पास जो टॉपिक बचता है वो है नाउन एंड जेंडर, या फिर नाउन जेंडर, यानी कि नाउन में कितने तरह के जेंडर होते हैं, कौन कौन से वो जेंडर होते हैं और किस तरह के नाउन कौन से जेंडर के अंदर आते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे, उसको हम आज समझेंगे। ठीक है, तो नाउन के हिसाब से जो जेंडर होते हैं या फिर जो नाउन जेंडर जो होते हैं वो होते हैं चार। वो कितने होते हैं? चार। इसको पहले लिख लेते हैं कि कौन कौन से हैं वो चार। पहला होता है मास्कुलिन जेंडर। अभी हम देखेंगे कि इनमें क्या चीजें आती है। पहला वाला क्या हो गया? मास्कुलिन जेंडर। दूसरा क्या हो गया? फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर। दूसरा क्या हो गया? फेमिनिन जेंडर। पहला हो गया मास्कुलिन जेंडर, दूसरा हो गया फेमिनिन जेंडर, तीसरा हो गया, थर्ड वन इज कॉमन जेंडर। थर्ड वाला क्या हो गया? कॉमन जेंडर। ठीक है, चार तरह के जेंडर की बात करी थी। जब मैं बता रही हूँ, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं क्या नाउन एंड जेंडर को, तो कितने जेंडर होते हैं नाउन के हिसाब से, नाउन के कितने जेंडर होते हैं, तो चार होते हैं। पहला हो गया मस्कुलिन, दूसरा हो गया फेमिनिन, तीसरा हो गया कॉमन और लास्ट वन हमारा आ जाता है न्यूटर, न्यूटर जेंडर। ठीक है, लास्ट वन क्या आ जाता है? न्यूटर जेंडर। तो जिस तरह से इनका नाम जो टर्म है, जिस टर्म से निकला हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है, उस हिसाब से हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा जेंडर आता होगा, मस्कुलिन में कौन सा आता होगा, फेमिनिन में कौन सा आता होगा, कॉमन में कौन सा आता होगा या फिर न्यूटर में कौन सा जेंडर आता होगा। थोड़ा सा ब्रीफ समझ लेते हैं। मस्कुलिन में आता है जो भी मेल सेक्स को डिनोट करता है, मेल जेंडर को डिनोट करता है। फेमिनिन में आता है जो भी क्या करता है, फीमेल सेक्स को डिनोट करता है, जो भी जेंडर। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वो क्या जेंडर हो जाएगा नाउन का? फेमिनिन जेंडर। कॉमन जेंडर यानी कि वो मेल के लिए भी हो सकता है, वो फीमेल के लिए भी हो सकता है, इस तरह के नाउन भी पढ़ेंगे। और न्यूटर का मतलब क्या हो गया? जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जो कि चीज़ें होती है, कुछ वस्तुएं होती है, कुछ थिंग्स होती है जो नॉन लिविंग है, तो वहां पे क्या आ जाएगा? न्यूटर जेंडर। मस्कुलिन जेंडर से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला वाला पढ़ते हैं मस्कुलिन, मस्कुलिन जेंडर। क्या बताया था? मस्कुलिन जेंडर में क्या होता है? डिनोट्स, क्या डिनोट करता है? मेल सेक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यानी कि मेल सेक्स, मेल के बारे में जो बात हो रही है, मेल के जो जेंडर की बात हो रही है, वह वहां पे क्या आएगा? मस्कुलिन जेंडर। इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। मस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है मेल को दर्शा रहा है, मेल को दिखा रहा है, पुरुष आदमी जो भी बोल सकते हैं, वहां पे उसकी बात हो रही है। तो मस्कुलिन जेंडर में जैसे आ जाएगा, मस्कुलिन जेंडर में आ जाएगा फादर। इसके एग्जाम्पल है फादर, सन, सन यानी जो सूरज है, फादर सन, टाइगर, टाइगर लॉयन, लॉयन पावर, टाइम, टाइम वायलेंस। तो ये सारे क्या हैं? मस्कुलिन जेंडर के एग्जाम्पल है, जो जहां पे क्या दिखा रहा है, मेल सेक्स को, मेल को दर्शा रहा है, तो वो क्या आ जाएगा? मस्कुलिन जेंडर। इसके हिसाब से, नाउन के हिसाब से, जैसे हो गया फादर हो सकता है, सन जो सूरज की बात हो रही है, टाइगर की बात हो रही है, लॉयन पावर, टाइम वायलेंस, ये जो भी है, जितने भी है एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे? मस्कुलिन जेंडर की बात करेंगे। चाहे वो फादर की बात हो रही हो, सन की बात हो रही हो, टाइगर की बात हो रही हो, लॉयन की बात हो रही हो, पावर की बात हो रही हो, टाइम हो या फिर वायलेंस हो, जब भी ये नाउन आएंगे तो ये किस जेंडर को दिखा रहे हैं? मस्कुलिन जेंडर को दिखा रहे हैं। तो नाउन जेंडर में पहला हमने क्या पढ़ लिया? मस्कुलिन जेंडर। इसके अगला पढ़ लेते हैं, मस्कुलिन का मतलब जो मेल जेंडर को दिखा रहा है, जो मेल सेक्स को दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला वाला है, नेक्स्ट वाला है
फेमिनिन फेमिनिन जेंडर, दूसरा वाला हमारे पास क्या है फेमिनिन जेंडर, तो ये क्या दिखाएगा फीमेल सेक्स, यानी कि किसको दर्शा रहा है फीमेल को, किसी महिला को, किसी स्त्री को, किसी लड़की को, जो भी आप बोल सकते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, जैसा भी समझना चाहते हैं, तो फीमेल को दर्शा रहा है जब, तब भी क्या आएगा फेमिन, तब क्या आएगा हमारे पास फेमिनिन जेंडर आएगा, जब मेल को दर्शा रहा था तो तब क्या आया था मास्कुलिन जेंडर, दूसरा वाला हमारे पास है फेमिनिन, जब फीमेल को दर्शाया जा रहा है, फीमेल की बात हो रही है, तो वहां पर क्या आएगा फेमिनिन जेंडर, जैसे मदर पीस नेचर गॉडेस गॉडेस मदर पीस नेचर गॉडेस, और क्या हो सकता है इसके अलावा, गॉडेस मदर हो गया, पीस हो गया, नेचर गॉडेस, टाइग्रेस टाइग्रेस और लायनेस, तो ये सारे क्या आ जाते हैं, ये सारे के आ जाते हैं हमारे पास फेमिनिन जेंडर के एग्जाम्पल्स, है मदर हो, पीस हो, नेचर हो, गॉडेस, टाइग्रेस या लायनेस, तो ये सारे के किसको दर्शा रहे हैं फीमेल को दर्शा रहे हैं, फीमेल की बात हो रही है, तो वहां पे क्या आ जाएगा फेमिनिन जेंडर आ जाएगा। इसके बाद तीसरा वाला पढ़ लेते हैं, तीसरा वाला जेंडर है कॉमन जेंडर, अभी तक तो हमने मेल और फीमेल को समझ लिया, अब देखते हैं ये कॉमन जेंडर में क्या बात हो रही है, कॉमन जेंडर इस टर्म से समझ में आ रहा होगा, कॉमन का मतलब है जो दोनों के लिए, मेल के लिए भी यूज हो रहा है, फीमेल के लिए भी यूज हो रहा है, वो जो नाउन होंगे, वो जो नाउन आएंगे वो किसके अंदर आएंगे कॉमन जेंडर के अंदर आएंगे, जैसे इसके एग्जांपल हो सकते हैं, इसका पहले लिख लेते हैं, कॉमन फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल के लिए क्या है दोनों जब कॉमन है तो वहां पे क्या आ जाएगा कॉमन जेंडर आ जाएगा, जैसे इसके एग्जांपल हो जाएंगे चाइल्ड बेबी, जब चाइल्ड की बात होती है और जब हम स्पेसिफिक करना चाहते हैं कि मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, तो हम बोलते हैं मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड, तो क्या चाइल्ड का मतलब क्या हो गया कॉमन जेंडर हो गया, वो मेल के लिए भी यूज हो सकता है फीमेल के लिए भी यूज हो सकता है, बेबी गर्ल की बात करते हैं तो फीमेल के लिए यूज हो गया, बेबी बॉय की बात करें तो मेल के लिए यूज हो गया, ये भी आ जाएगा किसमें कॉमन जेंडर में। इसके अलावा स्टूडेंट टीचर, ये सारे के किसमें आ जाएंगे कॉमन जेंडर में आ जाएंगे, चाहे वो चाइल्ड की बात कर रहा हो, बेबी की, स्टूडेंट की या टीचर की, ये सारे के टीचर क्या हो सकते हैं मेल टीचर, फीमेल टीचर, स्टूडेंट मेल स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, या मेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड, तो यानी कि दोनों के लिए कॉमनली यूज किए जा रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे कॉमन जेंडर बोलेंगे। ठीक है, तीन तरह के जेंडर समझ लिए, मास्कुलिन फेमिनिन एंड कॉमन जेंडर, अब लास्ट वन वाला भी समझ लेते हैं, न्यूट्रल जेंडर का मतलब क्या है। फोर्थ वन इज न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर, न्यूटर का मतलब होता है जो किसके लिए यूज हो रहा हो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो भी नाउन यूज हो रहा है वहां पे क्या आ जाएगा न्यूटर जेंडर आ जाएगा, वो जेंडर कैसा होगा न्यूटर हो गया, न्यूटर का मतलब नॉन लिविंग, यानी कि जो चीजें लिविंग नहीं है उनके लिए जो भी नाउन आएगा या जो भी जेंडर आएगा वो क्या आएगा न्यूटर जेंडर आएगा, जैसे जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया क्या व्हाइट बोर्ड, कॉपी, बुक, पेन, टेबल, चेयर, एक्सेट्रा, जो भी आएगा हमारा तो किस में आ जाएगा न्यूट्रल जेंडर में।
में आ जाएगा। मास्कुलिन जेंडर का देख लिया, मेल सेक्स को डिनोट करता है। फेमिनिन जेंडर का देख लिया, फीमेल सेक्स को डिनोट करता है। कॉमन जेंडर का देख लिया, जहां पर दोनों की बात हो रही है तो कॉमन जेंडर आ जाएगा। और न्यूटर का मतलब जो किसमें बात कर रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स की, जहां पर बात हो रही है वो व्हाइट बोर्ड हो सकता है, कॉपी, बुक, पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, फर्नीचर, जो भी आएगा वहां पर क्या आ जाएगा, न्यूटर जेंडर आ जाएगा। तो ये तो हमने देख लिया जेंडर के बारे में। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अभी तक आज हमने पढ़ा नाउन जेंडर या नाउन एंड जेंडर के बारे में, जहां पर हमने देखा चार तरह के जेंडर होते हैं, मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस करने हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, और इनसे और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द मस्कुलिन फॉर्म और मस्कुलिन जेंडर। इन सारे जितने भी नाउन हैं इनके क्या लिखने हैं, मस्कुलिन फॉर्म लिखने हैं, यानी कि ये पहले से किस फॉर्म में है, फेमिनिन फॉर्म में है। पहला वाला है क्वीन, दूसरा है एक्ट्रेस, तीसरा है नीस, चौथा है लैंड लेडी, और फिफ्थ वन इज ऑथरेस। ठीक है, इन सब का क्या लिखना है, मस्कुलिन फॉर्म, ये ऑलरेडी अपने फेमिनिन फॉर्म में है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है राइट द फेमिनिन फॉर्म और जेंडर। ठीक है, तो यानी कि ये जितने नाउन है ये ऑलरेडी किस में है, मस्कुलिन जेंडर में है, मस्कुलिन फॉर्म में है। पहला क्वेश्चन है अंकल, दूसरा है बॉय, तीसरा है पीकॉक, और चौथा है वॉशरमैन। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करने हैं, पहले वाले के मस्कुलिन जेंडर लिखने हैं और दूसरे वाले के फेमिनिन जेंडर लिखने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और बताना है कि इनका सही आंसर क्या आएगा। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।